मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम नोबिता होता है और वो सोता रहता है। वो देखता है कि उसकी फ्रेंड जो शिज़ुका है उसे बाहर बुलाती है खिड़की के बाहर। वो उसे देख के बहुत हैप्पी होता है और उसके बाहर जाने लगता है, बट वो गिरने लगता है जैसे ही वो उड़ता है और उसकी मॉम उसके चिल्ला कर उसे उठाती है ये बोल कर कि उठ जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। वो ऑलरेडी लेट हो चुका रहता है और जब तक स्कूल पहुंचता है तब तक उसके क्लास स्टार्ट हो चुकी रहती है और उसे बाहर रहना पड़ता है। ये देखने के बाद जो सुनियो और जियान होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं और शिज़ुका जो होती है उन्हें रोकती है। उसके बाद प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग खेल रहे होते हैं, बट नोबिता जो होता है वो सही से कैच नहीं ले पाता है और जब वो पढ़ने का ट्राई करता है तब वो सो जाता है। उसके टेस्ट में बहुत खराब मार्क्स आते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो ये सारी चीज़ें जो डोरीमोन है वो देख रहा होता है अपने स्क्रीन पे। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो डोरीमोन और जो उसका ग्रैंड ग्रैंडसन होता है सवासी, वो लोग टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से आए हुए होते हैं और रात को नोबिता के रूम में जाते हैं। ये देखने के बाद नोबिता बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। डोरीमोन जो होता है वो बताता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है। सवासी भी यही कहता है कि वो लोग फ्यूचर से आए हुए हैं। इसके बाद जो नोबिता होता है वो उन्हें के लिए कुछ नाश्ता ले जाता है खाने के लिए। डोरीमोन जो होता है वो डोरा केक देख के बहुत हैप्पी हो जाता है और वो कहता है कि बहुत टेस्टी है। सवासी उसे बताता है कि वो लोग फ्यूचर से आए हुए हैं और उसका फ्यूचर ठीक करे इसलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनका फ्यूचर के बारे में बताता है कि उसकी शादी जो है वो जैको नाम की एक लड़की से होती है और उसके बच्चों को भी दिखाता है। वो बताता है कि उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी इसलिए वो कंपनी स्टार्ट करता है और कंपनी में जो है आग लग जाती है जिसके वजह से उसके जितने लोग भी लोन लिए होते हैं उसे मांगते हैं बट वो पे नहीं कर पाता है और वो लोग इस वजह से अब गरीब हैं। इसके लिए वो नोबिता बहुत सैड फील करता है और सॉरी भी बोलता है। उसके बाद जो उसका ग्रैंड ग्रैंड सन होता है यानी सवासी होता है वो डोरीमोन को इस तरह से सेट करता है कि जब तक वो नोबिता की मदद नहीं कर देगा तब तक वो वापस नहीं आ सकेगा फ्यूचर में। उसके बाद जैसे ही डोरीमोन नोबिता के बारे में सोचता है उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे उसकी मदद करे। उसके बाद जब एक बार डोरीमोन ट्राई करता है वापस से फ्यूचर में जाने का तो उसे शॉक लगता है और वो कहता है कि अब उसे उसकी मदद करनी ही होगी। अगले दिन से ही डोरीमोन अपने गैजेट को यूज़ करने लगता है, जैसे कि अगर वो लेट करता है नोबिता तो उसे अपने एनीवेयर डोर देता है और सीधा स्कूल पहुँचा देता है। अगर जियान उसे परेशान करता है तो उसके लिए भी वो गैजेट देता है जिससे कि जियान को मार सके या तंग कर सके। वो जब भी खेलना चाहता है किसी गैजेट के साथ तो वो उसे दे देता है। और जब अगले दिन नोबिता जो होता है वो देखता है कि डेकी सुकी और शिज़ुका एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो सोचता है कि डेकी सुकी जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सारी बातें वो डोरीमोन को बताता है और डोरीमोन दिखाता है उसे एक अपना गैजेट जो कि एग शेप का होता है और वो बताता है कि जैसे चिड़िया के बच्चे करते हैं अपने जो से वो अंडे से निकलते हैं सबसे पहले जिसको देखते हैं उससे ही अपनी माँ समझने लगते हैं और उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, वैसा ही एक गैजेट भी वर्क करता है। डोरीमोन पहले अपने ऊपर ये टेस्ट करके दिखाता है। जैसे वो उस एग से निकलता है वो नोबिता को देखता है और नोबिता को पसंद करने लगता है। उसके बाद नोबिता उसे बाहर ले जाता है बट वो रोड में उससे गैजेट छूट जाता है। वो गैजेट खुल कर सीधा जियान के अंदर चला जाता है और जियान जैसे उसके बाहर निकलता है वो सुनियो को देखता है जिसकी वजह से वो सुनियो को पसंद करने लगता है। उसके बाद डोरीमोन और जो नोबिता होते हैं वो लोग उसे उठाकर वापस से घर ले जाते हैं। नोबिता अब डोरीमोन का गैजेट को यूज़ करके सीधा शिज़ुका के घर के पास लगा देता है जिससे कि वो सीधा उस एग के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो सुनता है कि सुनियो जो है उसे नीचे बुला रहा है, वो सुनियो से मिलने जाता है, सुनियो से सारी बातें बताता है। इधर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो डेकी सुकी होता है वो वापस जाता है शिज़ुका से बात करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट। वो जैसे ही शिज़ुका घर जाता है वो सीधा नोबिता के रूम में पहुंच जाता है। इधर दूसरी साइड दिखाता है कि जियान भी सुनियो को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही शिज़ुका उस गैजेट से निकलती है वो डेकी सुकी को देखती है और डेकी सुकी को पसंद करने लगती है और डेकी सुकी को बोलती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि शिज़ुका और डेकी सुकी एक साथ बाहर चले जाते हैं। यह सब देखने के बाद जो नोबिता होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और रोने लगता है। डोरीमोन से समझाता है कि
तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें भी पसंद करेगी शिशुका। और ये सारी बातें वो रात भर सोचता है और वो अगले दिन से उठ के पढ़ाई करने लगता है अपने टेस्ट के लिए। ये देख कर डोरेमोन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जब अपने स्कूल जाता है टेस्ट के लिए तो वो पढ़ते हुए ही जाता है, बट जब वो टेस्ट देता है उससे 0 मार्क्स आते हैं क्योंकि वो मैथ्स टेस्ट का तैयारी करके जाता है और उसका टेस्ट होता है स्पेलिंग टेस्ट। जब उसे 0 मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो डोरीमोन को अपने मार्क्स नहीं दिखाता है। वो एक जगह जाके बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जैसे ही वो सिजुका को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो सिजुका से दूर ही रहेगा तो बेटर होगा। वो सिजुका के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल भी जीनियस नहीं हो सकता है। और ये सब बातें बोलने के बाद जो डोरीमोन होता है उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं समझा पाता है। और नोबिता सारे बुक्स को लेकर सिजुका के घर चला जाता है उसे लौटाने के लिए। सिजुका उसके साउंड सुनती है और उसके पीछे पीछे जाती है, बट नोबिता जो होता है भागने लगता है और सिजुका को इग्नोर करता है। नोबिता कहता है कि तुम यहाँ चली जाओ और उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता है, जिसके बाद सिजुका जो होता है उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो रास्ते में डेकुसुकी से मिलता है और कहता है कि तुम सिजुका का ध्यान अच्छे से रखना। ये सारी बातें डेकुसुकी सिजुका को बता देता है। इधर जब नोबिता होता है उसे खुश करने का ट्राई करता है डोरेमोन के, नहीं कर पाता है। जब डेकुसुकी ये सारी बातें बता रहा होता है तो नोबिता के लिए सिजुका बहुत परेशान हो जाती है और दौड़कर उसके घर जाती है। इधर जैसे ही वो सिजुका के साउंड सुनता है डोरेमोन से गैजेट के लिए मांगता है। उस गैजेट को यूज़ करने के बाद वो इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि सब लोग उसके दूर भागने लगते हैं और सिजुका भी भागने लगती है। बट जैसे ही उसके साउंड सुनती है कि मुझे कोई बचाओ, सिजुका उसके पास जाती है और उसे बचाने का ट्राई करती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि उसके मॉम और डोरेमोन भी वापस आ जाते हैं उसके पास और सिजुका उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डोरेमोन नोबिता बात कर रहे होते हैं और उसका फ्यूचर दिखाता है डोरेमोन, जहाँ की उसकी शादी सिजुका से हो रही होती है। उसके बाद नोबिता बहुत हैप्पी हो जाता है। अगले दिन वो देखता है कि सिजुका और डेकुसुकी फिर से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो लोग अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। ये देखने के बाद वो देखता है कि उसका फ्यूचर चेंज हो रहा है बार बार और वो लोग अब टाइम टीवी का यूज़ करके वो फ्यूचर देखते हैं, जहाँ पर कि बड़े नोबिता को दिखाया जाता है। बड़े नोबिता में दिखाया जाता है कि जो बड़ी सिजुका है वो बोलती है कि हम लोग साथ में माउंटेन जा सकते हैं, तो नोबिता उसे मना कर देता है। और ये देखने के बाद जो नोबिता होता है वो बहुत परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि जो बड़ा नोबिता है वो सो रहा है उसके साथ जाने के बदले, और इधर सिजुका जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ में गिर चुकी है और अपने दोस्तों के साथ खो चुकी है। और उसके बाद जो नोबिता होता है वो डोरेमोन के गैजेट को यूज़ करके वापस से बड़ा नोबिता बन जाता है और टाइम ट्रेवल करके उस जगह चला जाता है, यानी फ्यूचर में चला जाता है। एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करने के बाद जो नोबिता होता है वो सीधा सिजुका के पास चला जाता है और वो सिजुका को ढूंढ भी लेता है। सिजुका के साथ वो लोग एक केव में छुपते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ तेज़ स्पीड से चल रही थी। वो लोग जब एक केव में जाते हैं यानी गुफा में जाते हैं तो वहाँ पर नोबिता जो होता है वो आग लगाने की ट्राई करता है लकड़ी के थ्रू, बट वो नहीं लगा पाता है। उसके बाद सिजुका कहती है कि उसके पास लाइटर है जिससे कि ईजिली आग जल जाएगा, और वो लाइटर का यूज़ करते हुए आराम से आग जला लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सिजुका को थोड़ी सर्दी हो जाती है यानी जुकाम हो जाता है, और वो नोबिता कहता है कि शायद उसके वजह से ये हुआ है। उसके बाद सिजुका बेहोश हो जाती है और उसके क्वेश्चन का आंसर देती है। हाँ, उसे क्वेश्चन में कुछ पता नहीं होता है, बट जो नोबिता होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले जाता है ताकि वो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसे ढूंढ सके GPS के थ्रू। उसके हाथ में जो पल्स रेट का मशीन लगा होता है उसमें बताता है कि उसका पल्स बहुत ही स्लो होते जा रहा है। वो नोबिता जो होता है वो गिर भी जाता है और वो अपने दिमाग पे इतना जोर डालता है और वो कहता है कि मुझे ये दिन याद रखना होगा फ्यूचर में कि मुझे सिजुका के पास जाके उसे बचाना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि फ्यूचर का जो नोबिता यानी बड़ा नोबिता होता है वो आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
वो बड़ा नोबिता बताता है कि उसे अचानक से ये बात याद आई कि उसे जाना है शिज़ुका को बचाने। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में शिज़ुका को छोड़ने के बाद ये जो छोटा नोबिता होता है वो बड़े नोबिता से बात करता है और वो कहता है कि क्या तुम डोरेमोन से मिलना चाहोगे। तो वो बड़ा नोबिता कहता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा फ्रेंड है। उसके बाद जैसे वो बड़ा नोबिता वहाँ से निकलता है, छोटा नोबिता बताता है कि शिज़ुका ने उसके क्वेश्चन का आंसर हाँ दिया है और वो उससे क्वेश्चन पूछता है। तो बड़ा नोबिता बताता है कि उसने पूछा था कि क्या वो उसकी हमेशा के लिए अच्छी फ्रेंड बनेगी और उसका आंसर हाँ था। ये सोचने के बाद जो छोटा नोबिता होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ये सारी बातें डोरेमोन को बताता है। डोरेमोन जो है वो नोबिता के साथ से बड़े नोबिता को फॉलो करता है और देखता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा है। दूसरी साइड दिखाता है कि जो शिज़ुका होती है वो अपने डैड से बात करती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सही करे क्या गलत करे। उसके डैड उसे समझाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता जो होते हैं वो बहुत हैप्पी होते हैं कि शिज़ुका की शादी उसके साथ होने वाली है। उसके बाद जैसे ही उसका वर्क पूरा हो जाता है डोरेमोन का, उसका जो रेड कलर का नोज़ होता है वो अलार्म देता है कि उसका काम पूरा हो चुका है, अब उसे वहाँ से जाना होगा। ये देखने के बाद डोरेमोन थोड़ा सैड हो जाता है और सोचता है कि अब पता नहीं नोबिता का क्या होगा और नोबिता कैसे रहेगा, और डोरेमोन रोने लगता है। इधर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि नोबिता बहुत खुश है और वो हेलीकॉप्टर के थ्रू इधर उधर उड़ रहा है। डोरेमोन अपने मन में सोचते रहता है कि अब पता नहीं नोबिता कैसे रहेगा। दूसरी उसके बाद दिखाया जाता है कि नोबिता को फिर से जियान परेशान करता है और नोबिता डोरेमोन के पास आता है मदद के लिए। इधर डोरेमोन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें खुद से अपनी मदद करनी चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। डोरेमोन की बात सुनने के बाद नोबिता वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और डोरेमोन बताता है कि अब उसे वापस जाना होगा क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और उसका फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। ये सब बात सुनने के बाद नोबिता के मॉम डैड भी थोड़ा सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो ठीक है, तुम जा सकते हो। जब एक बार डोरेमोन कहता है कि वो नहीं जाएगा तो उससे बहुत ज़ोर से शॉक लगता है और वो कहता है कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। ये जानने के बाद जो डोरेमोन होता है वो भी सैड हो जाता है और नोबिता भी बहुत सैड होता है। डोरेमोन से बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन नोबिता को समझता नहीं है और बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी लड़ाई जियान के साथ हो जाती है और जियान उसे बहुत पंच करता है, लेकिन नोबिता जो होता है वो हार नहीं मानता है और उससे अभी भी लड़ाई कर रहा होता है। वो थोड़ा डरता है बट फिर भी वो लड़ाई कर रहा होता है। इधर जो डोरेमोन होता है वो बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो अभी तक आया हुआ नहीं होता है और वो सोचता है कि ये हमारी आखिरी रात है, उसके बाद मैं अगले दिन से यहाँ नहीं रहूँगा और नोबिता अभी तक आया नहीं। जब नोबिता को डोरेमोन ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि जो नोबिता है वो अभी तक हार नहीं माना है और वो लड़ाई कर ही रहा है। ये देखने के बाद जो डोरेमोन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो रोने लगता है सब कुछ देखने के बाद और लास्ट में वो जियान को हरा ही देता है। डोरेमोन जो होता है वो नोबिता को उठा लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके बाद उसे उठा के वो घर ले जाता है और जब अगले दिन नोबिता उठता है सोने के बाद तो उसे पता रहता है कि डोरेमोन नहीं रहेगा और वो चुपचाप अपने स्कूल चला जाता है। वो अपना ड्रॉअर भी खोल के देखता है बट वो टाइम मशीन नहीं रहती है। दूसरी सीन में दिखा जाता है कि सुनियो जो है वो कहता है कि उस पाइप में एक क्यूट सा डॉगी है और जैसे ही वो नोबिता वहाँ देखने जाता है वहाँ पर भयानक डॉगी होता है और उसे काटने के लिए दौड़ाता है, जिसके बाद जो डॉगी होता है वो उसे काट लेता है और जियान उसे कहता है कि डोरेमोन वापस आ गया है। और ये सुनने के बाद जो नोबिता होता है वो बहुत खुश हो जाता है, दौड़कर अपने घर जाता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या डोरेमोन वापस आ गया है, वो कहती है नहीं, बट नोबिता को ये बिलीव रहता है कि डोरेमोन वापस आ गया है और अपने पिगी बैंक को तोड़कर वहाँ से सारे पैसे निकाल लेता है और नोबिता डोरेमोन के लिए डोरा केक्स खरीदने ले चला जाता है। बट वो जियान और सुनियो की बातें सुन लेता है कि उन्होंने झूठ बोला था और उस बात के लिए वो बहुत सैड हो जाता है और वो रोते हुए अपने घर चला जाता है। तब उसे डोरेमोन की एक बात याद आती है कि डोरेमोन ने उसे गैजेट दिया था इसलिए ताकि वो जब ना रहे तो उसे इस्तेमाल कर सके। वो एक लिक्विड था गैजेट
जिसमें कि वो पीने के बाद, उस लिक्विड को पीने के बाद वो जो भी बोलेगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वो उस लिक्विड को खोलता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि उस लिक्विड को बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जियान और सुनियो को परेशान करेगा जैसे उसने उन लोगों को परेशान किया है। नोबिता जो होता है वो जियान और सुनियो के पास जाता है और उन लोगों के सामने वो लिक्विड पीता है और वो कहता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग भीग जाते हैं। उसके बाद नोबिता कहता है कि सुनियो को आज डॉगी नहीं काटेगा और डॉगी आके उसे काटने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि जियान की मोम आज उसे बहुत प्यार करेगी और जियान की मोम आके उसे डांट कर ले जाती है। उसके बाद जो नोबिता होता है वो थोड़ा हैप्पी हो जाता है, बट जैसे वो अपने घर जाता है उसकी मोम पूछती है कि क्या डोरेमोन वापस आ गया, तो वो कहता है कि नहीं डोरेमोन वापस नहीं आया है और वो कभी वापस भी नहीं आएगा, वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। ये सब बोलते हुए नोबिता अपने रूम में जाता है और अचानक से उसके रूम के जो ड्रॉवर होते हैं उसमें से डोरेमोन वापस बाहर आ जाता है और डोरेमोन कहता है कि पता नहीं अचानक से कैसे बट उसे अब वापस से आने की परमिशन मिल गई और वो बताता है कि शायद उसने वो लिक्विड इस्तेमाल किया हो इसलिए वो डोरेमोन वापस आ गया। और उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। थैंक यू देखने के लिए वीडियो।